नमस्कार दोस्तों, फोर्स अकेडमी मैं गिरिराज सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आयोग ने आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया तोहफा दिया है। आपका एमपीपीएससी 2023 के लिए यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ ही अब आपको इस टीचर्स डे के दौरान आयोग द्वारा दिया गया जो गिफ्ट है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर आपका जो 2023 के लिए नोटिफिकेशन है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो आउट हो चुका है, जिसमें हम बात करेंगे कि कब से फॉर्म भरने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी और आपकी कितनी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर से आपका नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था तभी हमें पता लगा कि नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो उसी के साथ ही हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो आपका पेपर है ये पेपर 17 दिसंबर को होगा। 17 दिसंबर 2023 मतलब इसी साल आयोग पेपर लेने के मूड में है। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास समय उतना नहीं है। यहां पर आयोग ने बता दिया है कि 2023 वाला जो नोटिफिकेशन है उसका एग्जाम प्रीलिम्स भी वो 2023 में आपका करवा लेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि ये जो फॉर्म आवेदन करने का जो दिनांक है वो 22/9/2023 से आपके शुरू किए जाएंगे और 21/10/2023 तक आपके फॉर्म चलेंगे। मतलब इसी महीने की 22 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके अगले महीने की 21 तारीख तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। पूरे एक महीने तक फॉर्म को भरा जाएगा यहां पर। तो ये सारी जानकारी आयोग के द्वारा हमें दी गई है। और उसी के साथ साथ एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आएंगी कि सर हमारी एज इतनी है तो हम कब से फॉर्म भर सकते हैं, कब से नहीं भर सकते हैं। तो जो आपकी एज काउंट होगी तो वो आपकी 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। तो यहां पर आपकी इसके प्रकार से आपकी एज काउंट की जाएगी और एज के लिए आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपकी DOV डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उसी को काउंट करके उसी को माना जाएगा। चलिए यहां तक की जानकारी आपको दे दी गई है। अब देखते हैं आगे और क्या दिया है। आगे हमें समझना होगा कि हमारे पास वैकेंसीज कितनी दी गई हैं। यहां पर ये जो ये आपका केस चल रहा है एमपीपीएससी का, जो आप सभी को पता होगा ओबीसी का 27-14% वाला, इसके बारे में आयोग अब अपने हर एक नोटिफिकेशन में बोल देता है कि अंतिम निर्णय जो हमारे उच्च न्यायालय का होगा वही मान होगा, उसी के हिसाब से जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो कर दी जाएगी। तो यहां पर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना इस पे चर्चा करने की जरूरत है कि ये कैसे कर दिया, अभी तक डिसीजन आया नहीं है। ये डिसीजन आना और उसके बाद क्या होना है ये सब आयोग और कोर्ट का काम है, आपका काम है पढ़ना। तो अब आपके सामने इस साल का जो लक्ष्य है, आपका टारगेट जो है आपको मिल चुका है, अब आपको इस टारगेट के साथ चलना होगा और आपको अब देखना होगा कि आपके पास वैकेंसीज कितनी है। और जो भी वैकेंसी आपके पास होंगी उसमें आप निराशा बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम होते होते तक यहां पर एमपीपीएससी वैकेंसीज को हमेशा बढ़ाता आया है। तो यहां पर सिविल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो टोटल वैकेंसी है 227 आपको देखने को मिल रही होंगी, कि यहां पर टोटल वैकेंसी 227 है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष मतलब DC की जो आपकी पोस्ट है वो 27 है और DSP की पोस्ट जो आपकी 22 पोस्ट दी गई है। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, यहां पर आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यहां आप देख रहे होंगे कि आपको कितना अच्छा मौका दिया गया है, जिसमें आपको इस टीचर्स डे के दिन आयोग ने आपको ये नोटिफिकेशन दिया है। मेरे बहुत अच्छे से याद है कि जो 2019 वाला नोटिफिकेशन आया था जिसके अभी ये इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं,
उसका नोटिफिकेशन 2019-14 नवंबर मतलब चिल्ड्रंस डे के दिन दिया गया था, और आज टीचर्स डे को यहां पर 2023 का नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो आयोग आपको सरप्राइज करता रहा है, करता रहेगा, और आप ये मत सोचें कि दिसंबर चार जो दिसंबर का महीना है बहुत ज्यादा समय है। आप देख रहे होंगे कि 3 महीने फिक्स आपके पास हैं, इन 3 महीनों में आपको 10 यूनिट करनी है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप देख चुके होंगे, मैंने आपको फॉर्म की डेट बता दी, कब से भरना स्टार्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है, कितने पद खाली हैं, कितने पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। आप ये ना सोचे कि 223 ही वैकेंसी है, आप हमेशा से देखते आए हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ती रही हैं, बढ़ती जाती हैं, हमेशा पेपर होते होते तक 2-3 नोटिफिकेशन निकाल लेते हैं, उसी के साथ आपकी वैकेंसी बढ़ जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये रही आपकी डिटेल्स। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फोर्स अकेडमी जल्द ही अपनी प्रीलिम्स के नए जो फोकस्ड बैच होंगे वो आपको अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो यहां पर हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितने भी बैचेस होंगे, कोर्स होंगे, वो सब स्टार्ट कर दिए जाएंगे समय रहते, और आपकी टेस्ट सीरीज, आपके बैच, ये सारी चीजों को यहां पर शुरू करके आपको यहां देखने को मिलेगा कि जल्द ही आपको फोर्स अकेडमी के साथ जुड़कर इस तैयारी को पूरा करें। चलिए, धन्यवाद, मेहनत कीजिए और लगे रहिए।